क्या हुआ कंडक्टर साहब? देख नहीं रहे, आगे चेकिंग चल रही है। हाँ, पेपर तो तुम्हारा कंप्लीट नहीं है भाई, ये सब फोटोकॉपी लेके घूमते हो। जय हिंद सर। हाँ, क्यों, ये गाड़ी ससुर ने दिया है का? बड़ा कलरफुल गाड़ी है तुम्हारा। सर थोड़ा जल्दी कीजिए ना सर, वो क्या है, सब लोग परेशान हो रहे हैं सर, और हमको भी दरोगा का इंटरव्यू देने जाना है। अरे आपके जल्दी कहने से सरकारी काम प्राइवेट तो नहीं ना होगा ना? और दरोगा का इंटरव्यू देने से कौन सा नौकरी कंफर्म हो जाएगा? करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हमारा ही थाने में आना पड़ेगा। चलिए निकलिए, हमको काम मत सिखाइए। दरोगा का इंटरव्यू। अरे उधर रामधने। जी सर। मिला क्या? पेपर निकाल। चल चल चल। के नीचे आगे बढ़ बेटा, पता चल जाएगा कौन ऊंट है और कौन पहाड़। ए, चार दस साले के ऊपर। भैया रामलोटन पांडे का नाम तो नहीं बुलाया ना? घंटे भर से तो बैठे हैं, कहाँ किसी को बुलाया जा रहा है। कहें? अब क्या मालूम। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूरी काम है का? इंटरव्यू देना है। बाहर बैठो, बुला लेंगे। एक घंटा से सब बाहर ही तो बैठे हैं, और कितना बैठे तो चल जाओ, रोका किसने है? देखिए आप लोग इंटरव्यू लीजिए या मत लीजिए, नौकरी तो आज हम लेके जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है श्रीवास्तव जी, ले लीजिए इनका भी इंटरव्यू, शौक पूरा हो जाए इनका भी। आइए। थैंक यू सर। घर से निकले थे तो माँ को देखे थे? जी सर, आशीर्वाद भी लिया था पांव छूकर। क्या छूके निकले थे? पांव। किस रंग की साड़ी पहन रखी थी माँ ने? लाल। उम्र क्या होगी माँ की?
48 साल। पहनती है कि नहीं? पहनती है। बहुत कुछ जानते हो अपनी माँ के बारे में। जितना माँ अपने बेटे के बारे में जानती है, बेटा भी माँ के बारे में उतना ही जानता है। पूरा नाम बोलो। रामलोटन पांडे। बाप का नाम? दीनानाथ पांडे। उनके बाप का नाम? कामता पांडे। उनके बाप का नाम? उमाकांत पांडे। अच्छा, कैसे बता सकते हो कि आप सभी अपने बाप के बेटे हो? पता तो चल गया होगा तुमको कि हम अपने बाप की ही औलाद हैं। अब तुम जाके अपने मां से पूछना कि साले तुम कितनों की औलाद हो। हम जैसे बच्चे यहां आते हैं फिर नट्टा लेने, लेकिन तुम जैसों की वजह से गांव जाकर कट्टा उठा लेते हैं। उठाएंगे कट्टा, हम भी उठाएंगे, और तुम जैसों को दिल चट्टा बना के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये कैंडिडेट जो अभी बाहर गया है, इसका पूरा नाम, पता और थाना 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी टेबल पर होना चाहिए, समझे? जी सर। कारस साइकिल चोर। साइकिल ही लौटाने जा रहे थे हम। जरूरत इंसान को चोर बना देता है। प्रवचन दे रहा है? कमजोर आंकने की भूल मत कीजिएगा। कमर में बंदूक लटकाए हैं तो बहुत रुआ दिखा रहे हैं। अच्छा, ले निकाल दिया पिस्तौल। बहुत चर्बी चढ़ गया है, हाथ उठाएगा मार मार के चमड़ी निकालेंगे, फिर थाना में डालेंगे, फिर दरोगा नहीं दोगला बनेगा। अच्छा हुआ जो खुद ही बेल्ट उतार दिए। अब हम तुमको बताते हैं तुम्हारी औकात। पब्लिक सर्वेंट हो तुम, और हम है पब्लिक। मालिक है तुम्हारे, और मालिक पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है अभी दिखाते हैं तुमको। अपनी आत्मा से पूछ कि तू दरोगा है कि दोगला। हरामी के बदन पे तो कपड़ा भी अच्छा नहीं लगता, वर्दी तो वतन की शान होती है, जो दिल में ईमान रखने वालों के बदन पे शोभा देती है, तेरे जैसे बेईमान के नहीं। पकड़ा गया।
पिया है क्या? भांग पिया है? ए मुखिया जी, हम कोनो भांग मांग नहीं पिए हैं। हाँ, और चुपचाप 20,000 रुपया निकालिए। काहे के लोटन दरोगा बन गए और हम जीत गए। चलिए चुपचाप 20,000 रुपया निकालिए। मुखिया जी, पैसा तैयार रखिए, हम मास्टर जी को बता के अभी आते हैं। बकता है बे? क्या बकता है बे? अबे तुम लुट गए, बर्बाद हो गए, पिट गए, मतलब कि राम लोटन बाबू दरोगा बन गए, समझे? मास्टर चाचा, हाय राम बन गए। मास्टर जी, ए मास्टर जी, मास्टर जी। अरे बद्री, काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा? मास्टर साहब, मुबारक हो, काहे कि आपका बेटा राम लोटन दरोगा हो गया है। खा? तू सच कह रहा है? हम अपन दोनों आँख से देखे हैं मास्टर जी। अरे सुने ना। अरे का है जी, काहे चिल्ला रही है? अरे तुम्हारे पूजा पाठ का फल मिल गया। क्या हुआ? अरे बेटा थानेदार बन गया। सच? बिल्कुल सच। तो कहाँ है जी? बस आ ही रहा है। आ रहा है? यहाँ वहाँ? सुनिए ना, उसको यहीं में रोकिएगा। ठीक है। हम आरती का सामान लेके आते हैं। उसका आरती ना उतारेंगे? हाँ जल्दी आना। सबकी बदल गई चाल, अब डर काहे का? मोरा बबुआ भयो को दवाल, अब डर काहे का? हे अब नहीं इसको चिढ़ाएगा कोई, सट्टा ना इस पर लगाएगा कोई। ओ अब नहीं इसको चिढ़ाएगा कोई, सट्टा ना इस पर लगाएगा कोई। भाइयों गांव आज पूरा खुशहाल, अब डर काहे का? भाइयों गांव आज पूरा खुशहाल, अब डर काहे का?
अपना दूंगा गाड़ी नमस्कार साहेब, अपना दूंगा गाड़ी नमस्कार साहेब। हम तो लिए गांव की जिम्मेदारी, तुम तो बने हो वतन के पुजारी। आए ड्यूटी सरकारी नमस्कार साहेब, अपना दूंगा गाड़ी नमस्कार साहेब। तुम तो हमसे भारी नमस्कार साहेब, अपना दूंगा गाड़ी नमस्कार साहेब। इनका देखो, ये है हमारे थाने के दबंग थानेदार। चोरी करना पाप है, रंजीत सिंह हमारा बाप है। एक लौंडे ने रिवॉल्वर छीन लिया, चले आए मोहल्ला का मदद मांगने के लिए। क्या कीमत है आपकी बिना रिवॉल्वर और वर्दी के? समझते हैं सर, दिलवा दीजिए, नहीं तो सस्पेंशन लेटर निकलेगा। निकलने दीजिए, अच्छा है, अभी ना पता चलेगा कि आटा और दाल का भाव क्या होता है। सस्पेंशन लेटर निकल जाएगा। चलो ठीक है, दिलवा देंगे। और अगर हमने दिलवा दिया तो क्या करेंगे आप हमारे लिए? अब तक जो करते रहे हैं सर, आगे भी करेंगे। तो बनाइए, पैक बनाइए दारू का। अरे भाई मुंह का देख रहे हैं, बनाइए। हाँ चलिए। खोलो मुंह, खोलो। बहुत महंगी शराब है, तुम्हारे एक महीने की पगार से कहीं ज्यादा महंगी। खोलो, पियो, गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। गिरा दिया ना, बर्बाद कर दिया दारू, आए बर्बाद कर दिया ना। विधायक जी सलामत। बहुत करंट था तुम्हें पिछवाड़े में, वर्दी शरीर पर थी तो बहुत चल रहे थे। तो आ गई तेरी वर्दी की गर्मी। गर्मी कई है तो गर्मी आ भी जाएगी विधायक जी, आज नहीं तो चार महीना के बाद। और हाँ, घर का कंबल ठीक करवा लेना, इस बार का सर्दी बहुत भयानक आएगी। ये कहाँ बोला रे? मालूम नहीं सर। उसका रिवॉल्वर किसने छीना? कुछ भी हो, आदमी तो हमारा है। ये क्या किया तुमने? सरकारी आदमी पे हाथ उठा दिया? अरे जानता भी है कि कितना बड़ा अपराध है। जानता हूं बाबूजी, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने आत्मरक्षा में उस पे हाथ उठाया। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसकी वर्दी और गन वापस कर दूंगा, और वो जो भी सजा देगा मैं उससे भुगत लूंगा। बहुत करंट था तुम्हें पिछवाड़े में, वर्दी शरीर पर थी तो बहुत चल रहे थे। तो कहां गई तेरी वर्दी की गर्मी? रामधनी बाबू जी सर, जिसका कारण आपको अपना ही थूका हुआ थूक चाटना पड़े तो क्या करना चाहिए? सरकार, इस डंडवा नीचे से डालना चाहिए और ऊपर से निकाल लेना चाहिए। तो छापा मारिए, पकड़िए, कहीं से भी पकड़िए उस मस्तरवा के बेटा को। नीचे से डालेंगे और ऊपर से निकालेंगे। सरकार, छापा मारने की कोनो जरूरत नहीं है, वो तो अंदरवा बैठा है। उसका इतना हिम्मत? हिम्मत तो आप देख चुके हैं दरोगा जी,
रामधनी। जी सर। गिरधारी पकड़ो इसको, उल्टा लटकाओ। आज इसका पूरा हिम्मत इसका पिछोड़े से निकालते हैं। डरा रहे हैं दरोगा जी? डरते तो यहां नहीं आते, आप में तो पता नहीं, लेकिन मुझ में अभी शराफत बाकी है। मुझे पता है कि अगर आपकी रिवाल्वर नहीं मिली तो आपकी नौकरी जा सकती है, इसलिए लौटाने आए हैं। आपकी वर्दी धुलवा के लाए हैं, यह रही आपकी कैप और ये आपके रिवाल्वर। अब चाहे तो अंदर कीजिए और चाहे तो गोली मार दीजिए। अगर आपका कानून इजाजत देता है तो चलाइए गोली। क्या हुआ, हाथ क्यों कांप रहे हैं आपके? शायद आपको शपथ याद आ गई जो आपने वर्दी धारण करते वक्त ली थी। वर्दी की गरिमा को पहचानिए, जिस वर्दी ने आपको इतना सम्मान दिलाया है। सम्मान नहीं, अपमान। दम घुटता है इस वर्दी का भीतर। जब शपथ लिए थे तो सोचे थे कि अपना ड्यूटी पूरा ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, कभी गली से गुंडागर्दी मिटाएंगे, लेकिन हमारे सीनियर ने कभी हमें कामे नहीं करने दिया। जिसको भी पकड़ो चले आते हैं, नेताओं का दलाल बन गए। शहर का हर गुंडा या तो किसी नेता का नाजायज औलाद है या उसकी मां किसी नेता का रख है। पिघलता लोहा है हीरा नहीं दरोगा जी, और शेर वर्दी वाले के टोपी में होता है, मगर आजकल खादी वालों का धोती में होता है। खादी वाले खाकी वालों को लौंडा बना के नचाते हैं। तो नाचते रहिए इसी तरह। और सब समाचार ठीक है? जी जी जी। ये तो सरकारी लेटर लग रहा है मास्टर जी। सरकारी ही है, यहां पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अच्छा 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 अच्छा। अरे बेटा जरा देख तो ये लेटर में क्या लिखा है। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या हुआ बाबूजी? हमारा सिलेक्शन हो गया बाबूजी, ट्रेनिंग के लिए जाना है। अरे बेटा ये तो बहुत बढ़िया हो गया रे, भगवान ने हम सबकी तमन्ना पूरा कर दिया। अरे सुलेना, अरे देख अपना बेटा दरोगा बन गया रे, दरोगा बन गया। चल बेटा चल। वेलकम टू कल्याणपुर थाना सर। आपने हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बहुत अच्छे से बनाया, इसके लिए धन्यवाद। ये तो हमारी ड्यूटी थी सर, हमने तो अपना फर्ज निभाया।
बाकी काम तो एसपी साहब की है, उनको आपका तेवर बहुत प्रभावित किया। हम तो बस इसी बात से खुश हैं सर कि जीवन में पहला बार कुछ अच्छा काम किए, और उस अच्छे कार्य के लिए हम आपको सलूट करते हैं। सर विराजिए सर, आज तो बैठ ही लेते हैं लेकिन कल से काम शुरू। जी सर। कस्बा से तमाम गुंडागर्दी चोरी डकैती खत्म करनी है और आपको उसमें हमारा साथ देना होगा। जान लड़ा देंगे सर। अरे छट्टू महाराज का हफ्ता कहने पहुंचा है? साहब पैसा नहीं है, अभी आएगा तो पहुंचा दूंगा। हफ्ता तेरा बाप पीटेगा। बहुत दिमाग बढ़ गया है। पहुंचा दूंगा, रोपड़ी उड़ा दूंगा। चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार।
अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार, अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार। जय मां काली। कहां है रे नया दरोगा, बुला उसको, हम भी देखे कि उसका खून हमारा मूत से भी ज्यादा गर्म है क्या। मौसम बदल गया है छट्टू महाराज, थाने को मंदिर समझ के माथा टेकिए, मूतखाना समझने का गलती करेंगे तो मूत के जगह से खून निकलेगा। खून तो हम बहाएंगे तुम सबका। हम तुमको बताएंगे कि हम कितने बड़े सूरमा हैं। सूरमा तो तुम्हारा आज हम बनाएंगे छट्टू महाराज, और वो सूरमा तुम्हारे पिछवाड़े लगाएंगे। अगर तुम्हारा इसी अकड़ से एक एक करके यहाँ हर पुलिस वाला मरेगा, होशियारी ना। क्या चाहते हो हमसे? ये हुई ना बात, सब पुलिस वाला को छोड़ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम हमरा जूता को अपना जीभ से चाटोगे। मंजूर है? नहीं सर, आप ऐसा नहीं करेंगे सर, आप हमारी जान की परवाह मत करिए सर। आप पर हमें अभिमान है सर, इस जन्म में क्या, हर जन्म में आप जैसे साहब के लिए हम लोग मरने को तैयार हैं। हम अपने अभिमान के लिए तुम सबकी जान की आहुति नहीं दे सकते रामधनी। लोटन पांडे नाम है हमारा। छट्टू महाराज शायद तुमको किसी ने बताया नहीं कि हम मजाक मजाक में बहुत मार मारते हैं। थाने के अंदर गुंडागर्दी करोगे तुम, हाँ
छट्टू महाराज, जो नेता मंत्री तुम्हारे घर में पानी भरते हैं, उनके भी दिल में हम डर बन के रहते हैं, और इसीलिए लोग हमें वर्दी वाला गुंडा कहते हैं। तुमने छट्टू महाराज के गिरेबान पे नहीं बल्कि एक जहरीले नाक के बिल में उंगली डाला है। अब मैं तेरे माँ के परवाने पे कैसे दस्तखत करता हूँ ये तू देखेगा, देखेगा तू। पागल कुत्ते की तरफ होकना बंद करो और ये दिन में सपने देखना बंद करो, क्योंकि अभी तो सिर्फ उंगली डाला है, अब डंडा डालूंगा। और जब तक तू तिहाड़ जेल से सजा काट के बाहर आएगा, तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे। मेरे मौत के परवाने पे दस्तखत करना तो दूर, पकड़ के मूतने लायक नहीं रहेगा। छट्टू महाराज को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख दरोगा, देख, तुमने हमारी ताकत को नहीं पहचाना। अब ये लोग तेरा और तेरे इस पुलिस स्टेशन का क्या हाल करेंगे ये तो देख, देख अब तू। छट्टू महाराज को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छट्टू महाराज को, छट्टू महाराज को, छट्टू महाराज को। अगर महाराज जी को नहीं छोड़े तो हम ये पुलिस स्टेशन फूंक देंगे। अच्छा, पुलिस स्टेशन फूंक देंगे, गुंडागर्दी करेंगे आप लोग, तो भैया शायद आपको ये बात पता नहीं है कि अगर अपने पे आ जाए तो साला पुलिस से बड़ा गुंडा कौन है। नहीं पता, दिखाते हैं। रंजीत सिंह जी, सर ये थाना फूकेंगे। बूझ रहे हैं सर। जरा लगाइए तो इस चोरकट के खोपड़ी पे निशाना। लगाते हैं सर। हाँ मारिए मारिए, हम मौत से नहीं डरते। नहीं नहीं, आप लोग कहां डरेंगे महाराज, डरते तो हम लोग हैं, आप लोग तो बहादुर आदमी हैं। रामधनी जी के धारी जी। यस सर। कितना इनकाउंटर किए हैं आप लोग? एक को नहीं सर। तो एक काम करिए। यस सर। लगे हाथ आप लोग भी हाथ साफ कर लीजिए। ठीक है सर। लगा लीजिए निशाना। एक मारेंगे सर। लग गया? यस सर। यस सर। रेडी हैं? मरेंगे ना। फायर। ये देख रहे हैं? यस सर। खाना भूकेंगे। ये अरे महाराज, अभी तो हवाई फायर था, असली फायर तो अब होगा। अब नहीं फूकेंगे था। ए साला, थाना में मुद दिया। बताइए, थाना फूकने आए थे, साले थाना में मुद के चले गए। क्या छट्टू महाराज, यही थे तुम्हारे आदमी? एक गोली की आवाज सुन के सब के सब साले हग मुद दिए। दरोगा, ज्यादा खुश मत हो, अपना जीत पे ज्यादा खुश मत हो, कहे कि और भी हैं तुम्हारे पाप जो ऊपर बैठे हैं हमारे समर्थन में, जिन्हें चड्डी धोने का
पैसा भी छट्टू महाराज देता है। देख देख दरोगा, देख, लगता है तुम्हारे बाप लोग आ गए, इनकी भी चड्डी उतारता हूं। तुमको पता है किसको पकड़ा है तुमने? जानते हो इनके बारे में? नहीं सर, बता देंगे तो एफआईआर लिखने में सहूलियत होगी। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करोगे? इनके एक चीख से पट्टा कांपता है और दिल्ली हिलती है। सियासत की बागडोर हिजड़ों के हाथ में है क्या सर, जो कल्याणपुर का एक अदना सा भड़ुआ पटना को कपाता है और दिल्ली को हिलाता है? जुबान को लगाम दो रामलोटन। आप भी थोड़ी आवाज नीचे करके बात कीजिए। जिस आदमी की सिफारिश लेके आप आए हैं वो आपके लिए तोप होगा। मेरे थाने का मुजरिम है वो। कहना क्या चाहते हो? कहावते कमजोर कहते हैं सर, हम बताते हैं। थाने पे हमला करके दंगे का माहौल बनाने वाला छट्टू महाराज मुजरिम है। मेरे आंखों के सामने एक पुलिस वाले को गोली मारा, दंगे का माहौल बनाया, सिर्फ एफआईआर ही दर्ज नहीं किया है हमने, इसके पूरे अपराध की किताब है मेरे पास, जिसे पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाएगी, पन्ने खत्म नहीं होंगे। मैं कहता हूं महाराज को छोड़ दो। तो आप छोड़ दीजिए, अगर संविधान आपको अनुमति देता है। हम तो यहां थानेदारी करने के लिए आए हैं, दलाली नहीं। रामलोटन पाड़े, हम यहां कानून सीखने नहीं आए, कानून सिखाने आए हैं। छट्टू महाराज को छोड़ दो, नहीं तो हम अगर अपना पावर दिखाएंगे तो सड़क पर नंगा होकर घूमोगे। रामधनी। यस सर। डीएसपी साहब के लिए अच्छी चाय मंगाओ और विधायक साहब के लिए हल्दी दूध का इंतजाम करो। हल्दी दूध सर? हाँ, विधायक जी खादी का पावर दिखाने में खाकी पे हाथ डाल दिए, अब ठुकाई के बाद इनको हल्दी दूध की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। टिंगल चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, हैं? क्या हो रहा है, मजाक कर रहे हो हमसे? तुम रंडी नाच हो रहा है? मजाक नहीं करते हैं सर, मजाक मजाक में हम बहुत मारते हैं। अच्छा डायलॉग मारा, बहुत अच्छा। लगता तू सिनेमा बहुत देखता है, हाँ? क्या समझता है रे तू अपने आप को? सलमान खान, अजय देवगन, क्या है तू, हाँ? इसमें समझने की क्या बात है सर? यूपी बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ के सिंघम, दबंग और बॉडीगार्ड हम ही हैं। लगता है आप फिल्म नहीं देखते, इसलिए आपको नहीं पता, समय नहीं मिलता होगा ना? कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं आपको फिल्म। हमारी आंख में देखिए सर, सिंघम दिखेगा सर, इधर सिंघम दिखेगा। आली रे आली, अतम माझी पारी आली, अतम माझी सटकली। तू विधायक पे हाथ उठाया रे, गुंडागर्दी करता है। अरे महाराज, एसपी साहब, अरे कैसा कैसा गुंडा को वर्दी दे रखा है भाई? क्यों, आप लोग गुंडों को टिकट दे सकते हैं, ये लोग गुंडों को वर्दी नहीं दे सकते? अच्छा है, अभी तो आपने सिंघम देखा, बॉडीगार्ड देखिए। रामधनी। यस सर। जरा बॉडीगार्ड वाला गाना गाओ तो। ठीक है सर। आया रे आया बॉडीगार्ड, आया रे आया बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड रिपोर्टिंग सर। हम तुमको इतना मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आए तो इधर ही से थे, अब भागे किधर? नहीं सुनाई दे रहा है? चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो अब आपको सलमान खान दिखाते हैं, दिखाई देगा। था
थाने के अंदर 12 मिनट में तुझको कानून सिखाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ओ 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 पानी पानी रामधनी। यस सर। पानी लाओ। हाँ लाओ सर। पिलाओ पिलाओ पानी पिलाओ। लीजिए पानी सर। लीजिए पीजिए विधायक जी। ये हिंदुस्तानी पानी है, तुम्हारा विदेशी दारू नहीं। पियो 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 पियो। गिरना नहीं चाहिए। अगर जमीन पर गिरा तो पानी पिला पिला के मारूंगा। पानी नहीं पानी नहीं। नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे। एक काम कीजिए, इनको भी छठू महाराज के बगल में लटकाइए और जितना धारा छठू महाराज के ऊपर लगा है सर, आधा इनके ऊपर बांध दीजिए। ओके सर। उनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा सर। ठीक है ठीक है सर। गिरधारी। यस सर। लटकाओ जरा इन्हें। चलिए। हेलो जी सर। सर हम अभी आ रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, आपका फोन आओ जरा, सीएम साहब का फोन है, मीटिंग में जा रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए। हाँ। अभी तो आप जरा होल्ड डाउन सर। अभी तो हमारे गुरुजी वाला आप देखे ही नहीं। अच्छा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है राम लोटन पांडे। हो गया, अब बाकी जितना हीरो का है इनको दिखाइए। आया सर, अभी बस जस्ट आ रहा हूँ सर। हाँ सर, पहुंच रहा हूँ सर। सही कह रहा था विधायक, गलती से आप लोगों ने एक गुंडे को वर्दी दे दी है, और जब तक मेरे बदन पे वर्दी है मैं यहां किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। और हां, आज के बाद मेरे काम में दखल अंदाजी करने मत आइएगा। अब आप जा सकते हैं। वेल डन, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। अरे बाप रे बाप, साला मार मार के हमारा गाल के पराठा बना दिया है। इतना मार साला पब्लिक में खाए होते तो विधायक जी से सीधे सांसद जी बन गए होते। बाप रे बाप। अरे भगवान, और तेल लगाइए छट्टू महाराज को। खुद तो खाया और आपको भी खिलवाया। हम पूर्वक नहीं हूं, लतखोर नहीं है हम, मार खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। तीन तीन बार विधायक बने हैं उसके बल पर, पब्लिक का सपोर्ट है उसके पास। अरे देख लिए उसका सपोर्ट, सेना लेकर गए थे थाने में, धूम दबाकर भाग आए। अरे उससे ज्यादा सपोर्ट तो हमारे पास में है। तो कुछ करिए, सपोर्ट है तो कुछ करिए, और नहीं करेंगे तो सुनामी की लहर की तरह बहा कर ले जाएगा हम सबको। ठीक करते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है। लीजिए। कौन सा शर्त है भाई आपका? पहला नाम जगन पहलवान का आवे चाहिए, ये छट्टू मट्टू का नहीं। हे महाराज, आप क्या हैं? क्या है आप? पजामा है कि आदमी है? आए? एक बार कोह दिया तो क्या करें, अब स्टाम्प पैड पे मुहर लगा के दे। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे लटकाते हैं ये राम लोटन को। किरदारी। यस सर। स्टेशन का ध्यान रखना। ओके सर। सर, मार मार के सब तो तोड़ दिए हैं, फिर थाने कहा को बुलवाए हैं? ये बताने के लिए बुलाए हैं कि तुम लोग का बाप तो बेटा गया 12 के भाव में, अब तुम लोग भी सुधर जाओ, नहीं तो एक एक करके साले सबको ठोंक देंगे हम। तो हम क्या करें साहब, रास्ता में भीख मांगी कि मंदिर में पुजारी बन जाए? न तुमको मंदिर में साधु बनने को कह रहे हैं और न रोड पे भीख मांगने को कह रहे हैं। रोजगार करो, और वो भी ईमानदारी से। पैसा कहां से आएगा? अगर ईमानदारी से तुम लोग रोजगार करने का वादा करो तो पैसा का व्यवस्था हम करा के देंगे। लेकिन याद रखो, विश्वास कर रहे हैं, अगर विश्वासघात किए तो एक एक जन को ठोक देंगे, किसी को इनकाउंटर में तो किसी को मुठभेड़ में।
भाई काम है, सच कर रहे हैं कि खाली सपने दिखा के चले गए। अब जवान भी हो, देखते हैं कथनी और करनी में कितना फर्क है। सर यह है हमारी धर्म पत्नी जो पिछले साल बीमारी की भेंट चढ़ गई, पर सरकारी अफसर इलाज के लिए पैसा भी नहीं जुटा पाया। आओ बेटा बैठो। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी की डोली उठेगी भी नहीं। कहां करते सर, 8 लाख रुपया में बाबूजी ने यह वर्दी खरीद कर पहनाया था। कर्जे का बोझ ने बाबूजी का गर्दन दबा दिया और उस समय से पहले ही परलोक से धार गए और मैं खड़ा विवश देखता रहा। बहन का ब्याह का चिंता, कर्जदारों का दबाव और सिस्टम के कमीनेपन ने रंजीत सिंह को ईमानदार से बेईमान बना दिया सर। हम समझते हैं आपकी परेशानी, हम समझते हैं ईमानदारी में तकलीफ होती है लेकिन उसका अंजाम बहुत अच्छा होता है। पर ईमानदारी से बहन का घर भी तो नहीं बसेगा सर। बसेगा। अब इस बहन के एक नहीं दो भाई हैं और मेरी प्यारी बहन की डोली इतनी धूमधाम से उठेगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। बेटा। हाँ माँ। अभी तक तो मैं तुम्हारे मुंह से सुना करती थी पर आज एकदम यकीन हो गया। क्या माँ? ये तो एकदम इंसान के रूप में भगवान है। हाँ माँ। अबे साले मरने का विचार है क्या? नहीं साहब, जीने की ललसा लेके आए हैं बस, कृपा कीजिए। कैसी कृपा रे? जोग सिंह के साथ रह के हमों बहुत अपराध किए हैं, सुने हैं कि आप गलत लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, तो हम भी सुधरने के लिए आए हैं। सोच ले गलती किया तो माई कसम गर्दन काट लीजिए का। ठीक है, थाने जाके रंजीत बाबू के यहाँ अपना नाम लिखवा लेना। ठीक है साहब, प्रणाम। चल हट। हर जगह ऐसा साहब आ जाए तो राम राज हो जाएगा। हे भगवान। लाइए सर, हम खड़ी कर देते हैं। सर एक औरत के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। रिपोर्ट लिखाया? कार्रवाई चाहती है, रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती। अच्छा तो आप हैं? जी। देखिए आप रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगी तो कार्रवाई कैसे होगी? अरे जैसे होता है साहब, अब हम आपको का बताएं? वो हमको ऐसी ऐसी जगह हाथ लगाया है ना कि अगर रिपोर्ट लिखवाएंगे तो बड़ा बदनामी होगा। एड्रेस पता मालूम है उसका? हाँ 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 मालूम है, चलिए बताते हैं। चलिए देखते हैं, आइए। एक बात बताइए जी, ये दाएं बाएं कर करके आप कहाँ लेके आई हैं? ये रास्ता तो कस्बा के बाहर जाता है। अरे साहब आजकल गुंडा मवाली ना आपके डर से वो तो है। चलो देखते हैं। तुम? हाँ, मैं। क्या मजाक है, चलो उतरो उतरो। अच्छा तो हम उतरू? और नहीं तो क्या? ठीक है तो अब तुम जाओ। अरे अरे सुनो, अरे ए!
की ना मिलेगी संसार में मेरे जैसी। समझता हूँ तुझको क्यों दिल तेरा समझे ना, जब दिल चाहे तेरा सनम अपने रंग में रंग लेना। चाहे दुनिया बदल जाए प्यार का मौसम बदले ना, करो भरोसा तुम हम पे हूँ मैं तेरा सजना। वर्दी सरकारी है जान से प्यारी है, कसम से कहता हूँ जान तू हमारी है। बात कह दूंगा जाके बीच बाजार में मेरे जैसा, दूजा ना मिलेगा संसार में मेरे जैसी। अरे हमरा खुन्नस हमरे साली पे खाई निकाल रहा है, उसे कुछ हो गया तो मुंह कैसे दिखाएंगे। पता नहीं कहा रखा है इनके मुंह में जो लोग देखेंगे। ए, ये पर देख रहे हो, हमको नहीं दिखाना, कह देते हैं हम आज के बाद नहीं मिलोगे हमरी सोनल से। अरे जीजा जी संभाल के, रोकना है तो हमको रोके ना, काहे कि हमरा दिल उन पे आया है उनका नहीं। पागल मत बन, वर्दी के रोम में जाने कितने लोगों को दुश्मन बना लिया है, कब मरेगा पता नहीं चलेगा। मौगा के सुहागन बने से तो अच्छा है कि हम मर्द के विधवा बनू। इसे अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। दीदी जीजा जी अंदर तो हम जाइबे करेंगे, लेकिन तनी दो मिनट दे दीजिए पाड़े जी से बतिया ले। ए हो पाड़े जी, जब से ही वर्दी पहन के लोगों को ठोकना शुरू की हो ना, हमारा दिल करता है कि आपको ठोको चंद बुलाए। तो बुलाओ ना, मना किसने किया है। मगर एगो शर्त पर, हमको जो कोई भी गोली मारा है ना उसको ऐसा ठोकना कि वो बंदूक पकड़ना तो दूर देखना भी भूल जाए। हाँ चिंता मत करो, देखो तुम्हारा ठोंकू चंद कैसे सालों की ठुकाई करता है। जीजा जी अब चलो अंदर। ये गन्ना सिंह कौन है? ये दूध माफिया है, पूरा इलाका में नकली दूध और खोआ का सप्लाई करता है। ये गोली चलवा सकता है? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते।
ये जगन कौन है? ई इस इलाके का सबसे घात क्रिमिनल है। ई गोली चलवा सकता है। प्रणाम सर। कारे गोरखा, गोलीकांड का कुछ पता लगाया? पता तो चल गया, लेकिन हमारे जान का खतरा है सर। तुम्हारे जान की जिम्मेदारी हमारी है। नाम बोलो। जगन का आदमी छोटू सिंह। कहाँ मिलेगा? बोल रहे तो इसी तरह से हड्डी तोड़ते रहेंगे। बोल, बता, वहाँ पे गोली कहाँ है? बता, गोली कहाँ है? अरे रुकिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए लोग मार मार के आपको खराब कर देंगे, इसलिए बता दीजिए क्यों चलाए थे हमारे ऊपर गोली। साहब, चिड़िया मार रहे थे, गलती से गोली लग गई साहब। अच्छा, चिड़िया मार रहे थे? ओ अरे भैया, ये चिड़िया मार रहे थे, कहाँ पीट रहे हैं इनको आप लोग? तो एक बात बताइए। बोलिए। पुड़िया खाते हैं? साहब कभी कभी। अच्छा, तो पुड़िया खाना तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि पुड़िया खाने से मुंह का कैंसर होता है। हैं? हाँ साहब। तो रामधनी जी। यस सर। जरा इनके माथे पे पुड़िया चिपकाइए तो। ठीक है सर। ये चिड़िया मार रहे थे तो हम भी पुड़िया को मारे। ठीक है साहब, चिपकाइए। ए हाँ, चिपका दीजिए अच्छी तरह, घबराइए मत। आप चिड़िया को मार रहे थे ना, हम पुड़िया को मारे। बस बस बस, पकड़ लीजिए जरा पीछे से इनको। नहीं हाँ, पकड़ के रखिए। नहीं साहब, बता दो। अच्छा, बताएंगे? हाँ साहब, बताते हैं। बताइए। बताते हैं। जगन सिंह के कहने पर गन्ना सिंह ने पैसे दिए थे आपको मारने के लिए साहब। हाँ साहब। अच्छा, ठीक है, छोड़ रहे हैं, आज के बाद फिर पुड़िया मत खाइएगा। ठीक है साहब, ठीक है। उतार दो इसको। जल्दी जल्दी करो भाई। अबे यूरिया वाला दूध नहीं बना, साबुन का बनाना है, टैंकर खड़ा है, शहर भेजना है ना माल, जल्दी करो। क्या कर हुआ? क्या साहब, क्या कर रहा है बे? तो गन्ना सिंह तुम ही हो? परिचय बताए का? छोटुआ को गोली का है मारी? कौन छोटू? ज्यादा भोला बनने का जरूरत नहीं है, वही छोटू जिसको पैसा देकर तुमने साहब पर गोली चलवाया। कौन छोटू? हम कौनों को पैसा ऐसा नहीं दिए और कौनों पे गोली नहीं चलवाए। चला जा यहाँ से, नहीं तो यही पे ठोक दूंगा। अरे भैया, ठोकने तो हम आए हैं। परिचय बताएं? बाप तुम्हारे को जिसका रोवा नहीं उखाड़े, नाम रामलोटन पाड़े। रामलोटन पाड़े? हाँ। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा। अबे तो खाली बोलेगा कि मारेगा भी? आगे मत बढ़, नहीं तो गोली मार दूंगा। मारिए मारिए। गोली मारो? आप मारे ना छोटुआ को गोली। साला तुम लोग हमको भगा दिया। नाम रामलोटन पाड़े। उठो उठो उठो। अरे अरे अरे, आई देखो भाग रहा है। आओ आओ, तुम लोग आओ आओ। नाम सुने हो हमारा? जी साहब। क्या नाम है? रामलोटन पाड़े। हाँ, और कारनामा के बारे में? देख लिए सरकार। देख लिए ना? तो देखो भैया, हमको गोली मारने में टाइम नहीं लगता। क्या रंजीत जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो तुम लोगों के पास भैया 3 मिनट है। अगर 3 मिनट में गन्ना सिंह को तुम लोग पकड़ के लाए तो ठीक, नहीं तो भैया एक एक को 3-3 गोली मारेंगे। समझ गए? अब अगर समझ गए हो तो खड़े क्यों? चला गया? अरे हम यहाँ हैं।
अरे अच्छा हुआ तुम लोग भाग गए। अरे इंस्पेक्टर वहां बड़ा सन किया है, बार बार से गोली मारता है। अरे वो गया कि नहीं गया? अरे हम भागे कहाँ, हम तो आपको पकड़ने आए हैं सरकार। आपको पकड़ने आए? अरे सारे पकड़ा गए होगा, मारूंगा ताले तुम लोगों को। अरे वो हमको गोली मार देगा। अरे हमारा आदमी होके साला हमारा खाके हम इन्हीं को पकड़ोगे? अरे काहे समय बर्बाद कर रहा है, दो मिनट तो ऐसा ही हो गया, तीन मिनट का समय दिया है, चलो पकड़ो। छोड़ दो नहीं तो गोली मार देगा मेरे को। अरे छोड़ दो बे, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे ताना, अरे छोड़ दे, अबे छोड़ दो बे, अरे मैं गोली मार देगा मेरे को। ये रंजीत जी ले आया है। क्या कर रहा हो बे? अरे हमारा आदमी हो क्या, हमें को बता रहे हो? लाइए लाइए, उतारिए उतारिए। अरे वो लोग को कहे डांट रहे हैं, वो लोग का गलती नहीं है, ये वर्दी वाला गुंडा का डर है। एकदम टाइम पर लाया है लोग। रंजीत जी जी सर, एको सेकंड लेट नहीं किया है लोग। चलो भाई तुम लोग अच्छा काम किए हो, चलो तुम लोग निकलो। और गन्ना सिंह जी क्या है इसमें? दूध। अच्छा सुनते हैं आप नकली दूध बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं असली है। असली है? हाँ। तो जरा पी के दिखाइए। पीजिए पीजिए आप ही का है। क्या हुआ? पीजिए पीजिए। नकली है, नकली 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 है। रंजीत जी सर नोट कीजिए, नकली दूध बनाते हैं। नोट किए सर। अच्छा वो सब का टंगा है? मक्खन। वो भी असली होगा। आइए तो एक बार और सोच लीजिए, असली है ना? हाँ असली है। अच्छा असली है। रंजीत सिंह जी सर, थोड़ा इनको खिलाना पड़ेगा। खिलाते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, नकली है, नकली 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 है। तो बताइए कहाँ ही सब नकली चीज बनाते हैं, गलत बात। तो नकली है तो इसको गिराना पड़ेगा। गिरा दीजिए, गिरा दीजिए। अच्छा देखिए, बनाए ही है गिराएंगे हम। बेटा बनाए तुम हो तो गिराना भी तुमको ही पड़ेगा। कैसे गिराओगे पता है? आ जाओ। कहाँ भाग रहे हैं? आइए 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 आइए। और भी कुछ बनाते हैं? कुछ नहीं बनाते। कुछ नहीं बनाते। रंजीत सिंह जी यहाँ तो काफी ठोकाई हो गया सर, अब आपका थोड़ा ठोकाई अंदर हो, ठीक है? चलिए नवा के धो। अरे साहब साहब, अरे हम तो सिर्फ पैसे दिए थे, बोला तो जगने वाले था, अरे उसको काहे नहीं पकड़ते साहब? पकड़ेंगे, उनको भी पकड़ेंगे और तेरे बाजू में बिठाएंगे। नकली दूध बनाने, जहरीला खोआ बनाने, पुलिस अफिसर के ऊपर हाथ उठाने और एक आदमी को गोली मारने के इल्जाम में तू तो गया बेटा, लंबे से गया। और ये हमारे बड़े साहब है ना, इतना दफा लगाएंगे कि जज भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पर सजा सुनाए और किस पर फांसी दे। अरे सिंह साहब कोई तो आड़ियां लड़ाइए, जितना बोलेंगे उतना देंगे। साहब हमारी तरह घुसखोर नहीं है, बहुत ईमानदार और कड़क हैं। अरे भाई बाप कुछ तो कीजिए, भाई बाप कुछ तो कीजिए। रुकिए, बतिया कर आते हैं, ध्यान रखिएगा, बोलने के बाद अगर कहीं साहब का मुंडा फटका और अगर पड़ी तो कह लेना। साहब इसका ऊपर कौन कौन सा धारा लगाए? क्षेत्र के चोर बदमाशों को रोजगार कराने में कितना खर्च आएगा? 10-15 लाख। ले लो। हम्म।
काम बन गया समझो। जरा फनवा निकालो और अपने आदमी से कहो कि 15 लाख रुपया लेकर आए। का 15 लाख? कहा है कम है का? तो 25 लाख कर दो। ईमानदार है तो इतना मांग रहे हैं, बीमार होते तो क्या करते? पूछ कर बताते हैं। नहीं 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 नहीं, जाने दीजिए, मैं फोन लगाता हूँ। अरे मगर हुआ, मैं गन्ना सिंह बोल रहा हूँ। अरे कहा है बे? राम राम। जय माँ काली। अब समझ में आया के पंडू कौन और अंडू कौन? बोल के शर्मिंदा मत करो जगन। महाराज जी, बहुत दिनों से आपका और आप जिनका पकड़ के चलते थे ना, अब वो हमारा पकड़ के खड़े हैं। जय माँ काली। बोलो बोलो जगन, आज तुम्हारा बखत है। कभी न कभी तो घूर के भी दिन बदलते ही है ना। अरे अरे अरे, आप तो नाराज होने लगे। चलिए आपकी नाराजगी दूर किए देते हैं।
दरोगा कहीं तो देखने नहीं आया कि चट्टू महाराज बाहर कैसे आ गया या फिर दर्द हो रहा है, तुम्हारा ही लगाया हुआ दफा तुम्हारे ही पिछवाड़े घुसेर दिया। पिछवाड़े तो उसके घुसाएंगे जो तुमको बाहर निकाला है, वही तो देखने आए हैं कौन है तुम्हारा हिमायती। हम है इसके हिमायती जगन पहलवान, देखते हैं काव खाड़ लेते हो। हाँ साहब, जगन सिंह के कहने पर गन्ना सिंह ने पैसे दिए थे आपको मारने के लिए साहब। अच्छा असलाह दिखा रहे हो तो लगे हाथ इसका लाइसेंस भी दिखा दो। इसको कहते हैं लाइसेंसी असलाह, और जब इसकी गोली खोपड़ी में घुसती है तो हमारी जबान में उसको एनकाउंटर कहते हैं। बहुत गलती की है पहलवान, छठू महाराज को बाहर निकाल के गलती से तुमने हमारी गोली पे छठू महाराज की जगह अपना नाम लिख लिया है। अब आज से हमारी गोली तुम्हारा पीछा करेगी। अभी तो ये नमूना था, ज्यादा फड़फड़ाओगे द एंड कर दे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल सही कहा गया है। जब इंसान का बुरा दिन आता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। दीवाने पंडित आई नहीं तो तू ही से शुरुआत करेंगे। ए जगन पहलवान, सही कहा गया है, एकदम सही कहा गया है कि साला पहलवान का बुद्धि उसका घुटना में होता है। जोश में होश मत गवाओ, नहीं तो क्रियाकर्म के लिए तुम्हारी लाश तुम्हारे परिवार को नहीं मिलेगी। जिस तरह एक मरे हुए कौवे को देखकर पूरे इलाके के कौओं की जमात इकट्ठा हो जाती है और काव काव करके पूरी खोपड़ी को नोच डालते हैं। अरे बैल बुद्धि विंध्याचल है, एक मरे हुए पुलिस को देखकर हजारों पुलिस वाले तेरी खोपड़ी पर तांडव नृत्य करेंगे। हमारी बात तुमको समझ में आई? बुझाया कुछ तका करे, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। विधायक, अपमान की आग में जल रहा हूं, जब तक उसे हवन में भस्म न कर दूं, अग्नि को शांति नहीं मिलेगी। अपमान का बदला जरूर लेंगे, वो भी उस ससुरा के खोपड़ी में गोली मार के। नेताजी, पहलवान सही कह रहे हैं, अगर हम उसको गोली नहीं मारेंगे तो अगली बार हमको लात मारेंगे, लात। सरवा, हमारा आदमी को मार के हमारी को बता दिया और 15 लाख रुपया लेकर अब रंजितबा की बहन की शादी करवा रहा है। अरे हम छोड़ेंगे नहीं उस लोटनवा को। ठीक है, जैसी हरी इच्छा। आइए आइए बाबूजी, आप कैसे हैं बाबूजी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रणाम बाबूजी। खुश रहा, खुश रहा, बहुत बहुत मुबारक हो। प्रणाम चाची। खुश रहे बेटा। कैसे हैं मुखिया जी? बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। चाची साहब को लेके अंदर जाइए, आइए। चला बैठते हैं भाई। बैठिए मुखिया जी। लाओ बेटा पानी वानी पिलाओ। और कहिए जी। भैया लाया। प्रणाम प्रणाम। का दीदी, देर लगता नहीं। घर की होके इतना देर से आएंगी, कब से हम इंतजार कर रहे थे। तो हम क्या करें बताओ ना, ये जो मास्टर साहब है ना, उनको बुढ़ापा में श्रृंगार करने का शौक है, लगे थे तैयार होने। चलिए चलिए अंदर, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है, लड़की को पीढ़ा पर बैठा दिया ना। अरे अब आप आए हैं, अब बताएंगे तब ना हम बैठाएंगे। अच्छा भाई, चलो चलो चलो।
चलो वहाँ जाके बैठो। आइए आप मेरे पास आइए आइए। अरे भाई कोई आरती को ले आओ। बैठिए आइए। इंतजाम तो नीमन की हो। लो आ गई। आओ लड़कियों के होते हुए ऐसा सुना सुना लगा रहेगा, नाच गाना नहीं होगा? अरे होगा ना। अरे उठो उठो तैयार हो नाच गाना करने के लिए। सोनल के होते हुए अगर नाच गाना ना हुआ तो फिर क्या हुआ हा? और का चल। सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे। धक धक करे जा हाय, धक धक करे जा करन लागा मोर रे, धक धक करे जा करन लागा मोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो चिंता काहे को करते हैं? बस आप लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा प्रणाम मम्मा जी। जीती रहो जीती रहो। खूब रंग जमाया। भगवान तुम्हें खूब सुंदर बर दे। अरे दीदी आप भी जा रही हैं? घर सुना सुना हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जाती। अरे कोनो जरूरत पड़ेगा तब बुलवा लेना, अभी तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा सुन, बेल्टी को हल्दी चढ़ गया है, अब उसको अकेले मत छोड़ना, एनी ओनी जाने मत देना, हमेशा साथे रखना, समझ रही है ना? ठीक है दीदी। अच्छा को
कुछ भी कहो मुखिया, अभी भी तुम जवान ही हो भाई। आप जैसे लोगन का आशीर्वाद है। क्या बात करते हो यार। काजी बतियाते रहिएगा, घोड़े चलिएगा कि नहीं? अरे चलेंगे चलेंगे, काहे चिंता कर रही हो? तो आप चलिए। हाँ ठीक है भाई, चलो भाई। आप लोग आए। अरे बेटा किसी बात का चिंता मत करना, हम लोग हैं। नमस्ते जी। चलो प्रणाम 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 प्रणाम। बेटी आरती, 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 रणवीर, बेटा, रंजीत। क्या हुआ माँ, तू इतनी घबराई कहाँ है? देखो ना, आरती अपने कमरे में नहीं है। क्या? सागर खोज लिए हैं। चलो चलो देखते हैं। हेलो, कहाँ रंजीत बाबू? बहन को खोज रहे हो? वो अब हमरे पास है। अब हमरी एगो बात ध्यान से सुनो। वही जहां तुम माथा टेकने आते थे। बेटा क्या हुआ, किसका फोन था? माँ, माँ क्या हुआ? आरती, 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 जयंत सर, क्या हुआ रंजीत जी? सर आरती को जगन के आदमी उठा ले गए सर। मौत को दावत दी है। जाओ नारी। यस सर। ये नारी ठीक है सर। जाओ साला, रेड मारना जगनवा गेट पे। आज इस हरामी को इसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। सर सर, अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आरती को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका शर्त का मुताबिक वो आरती को तभी छोड़ेगा जब मैं आपको निहत्था उसके पास पहुंचाऊंगा। चिंता मत कीजिए रंजीत जी, अगर उनके शर्त के हिसाब से मुझे निहत्था जाना पड़ेगा तो बहन की जान बचाने के लिए हम निहत्था जाएंगे उनके पास। निहत्था जाना बेवकूफी होगी सर। अगर इस बेवकूफी से बहन की जान बचती है तो हम ये बेवकूफी जरूर करेंगे रामधनी। पर हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे सर। इतने सालों की नौकरी में पहली बार कोई साहब हमको मिला जिन्होंने हम सबको काम करना सिखा दिया। चिंता मत करो रामधनी, हमारे बाद भी अच्छे लोग आएंगे क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। आइए रंजीत जी। भगवान ना करे अगर कुछ अनर्थ हुआ तो हम आपके किस्से अपने बच्चों को सुनाएंगे जिसे हथियार पर नहीं अपने हाथ पर भरोसा है। हे भगवान, हमारे साहब की रक्षा करना। Thank you.
समझाना तो मैं तेरे माँ बाप को चाहता था, लेकिन हाथ आई ये लड़की। मैं जानता था कि मैं तुम्हारी पीठ पर वार करूंगा तो तू छटपटाएगा तू, और नतमस्तक होकर दया की भीख मांगने आएगा। राम लोटन पाड़े मजाक मजाक में बहुत मारते हैं, आज तो एकरा के नचा नचा के मारेंगे। देखो जगन पहलवान, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, वादा का मुताबिक अब तुम हमारी बहन को छोड़ दो। और ना छोड़ो तो? नहीं छोड़ोगे तो हम सिर्फ निहत्था है, ना मरद नहीं। जगन, लड़की को छोड़ दो। आओ ना आरती, खड़ी कहाँ हो, आ जाओ ना बहन। बहन तुम हमारे जान की परवाह मत करो, घर जाओ। रंजीत बाबू सर। क्यों कैसा लगा हमारा मजाक? इधर रिमोट अब हमारा हाथ में है, जब तक तू पिटता रहेगा तुम्हारी बहन की धड़कनें चलती रहेंगी, धक 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 धक।
पांडे जी अब मजाक मजाक में बहुत मार देते हैं, और जब मजाक में नहीं मारते तो जान से मारते हैं। आरती पीछे घुमा, मैं तुम्हारा बम खोलता हूं। रामलोटन जी नमस्कार। नमस्कार। एक मिनट, सीएम साहब का फोन, सच में देखिए ना। अच्छा, अरे जैन सर नहीं सर, रामलोटन पांडे बोल रहे सर। सॉरी सर, विधायक जी तो दो गुटों के मुठभेड़ में मारे गए सर। ओके सर, थैंक यू। अरे ये क्या बोला तू, किधर मारा मैं, कौन मर गया? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, यहाँ तक गोली फाली कुछ लगी ही नहीं, कहाँ मरा हूँ यार? मरे नहीं है तो अब मरेंगे। अरे यार राम लोटन भाई, मजाक मजाक में मारते हैं या पता था, लेकिन यहाँ मारते हैं। सुनिए ना, हम राजनीति से इस्तीफा दे देते हैं भैया, चले जाएंगे गांव, वहां जाके बढ़िया मस्त किराना की दुकान खोलेंगे, धनिया मर्चा बेचेंगे, लहसुन बेचेंगे भैया आपके जाए तो। लेकिन आप वहां भी दाढ़ी मारेंगे। अरे ना, फंड का पैसा विदेशी दवा, देसी दवा, ये लीजिए देसी दवा। माय हो लोटन जी, पर फ्यूज हो गया। पीछे घूम और बम खोल, जल्दी खोल बम, आज इसका पाप का अंत करता हूं मैं, जल्दी करा दे, जल्दी बांध इस कमीने के गले में बम। अमरी बहन को बम से उड़ाएगा कमीना भाई का। अगर तुम्हें पता होता कि हम तुम्हारी मौत है तो तुम हमें निहत्था बुलाने की भी भूल नहीं करते। अरे पांडे जी हमारा क्या मत मारा, अरे हम तो छट्टू को हफ्ता देने आए थे। हाँ तुम्हारा बाप है जो हफ्ता देने हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए पांडे जी, पांडे जी हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे पांडे जी, जिंदा रहो, माफ कर दीजिए। साले तुम कितनों के बच्चों को अनाथ करोगे पांडे जी। पांडे राम लोटन पांडे, बलि चढ़ाओगे हमारी। उठा
बलि चढ़ाओगे? तुम्हारे खून से आज काली मां का चौखट धोएंगे हम। देख छठू महाराज, बिल्कुल निहत्थे हैं हम। निहत्था बुलाया था ना तुमने हमें? हाँ? सिद्धि सनानी भवानी है अम्बिके है आर्य उबारी है दुस्तल की नासिनी काली खंग वाली कृष्ण कपिला कपालिनी भवानी सर्व मंगल है सतत प्रकाशिनी है तारिणी बरवानी है भद्रकाली आपके चरणों में नमस्कार है हमारा सहासिनी कृष्ण की परी बहन होनम कुल में जन्म ले महिष्कर पीने वाली काली बिंदु वासिनी। प्रचंड मुंड खंडनी बनारणे प्रकाशिनी ग्रह ग्रह निवासिनी भजा में बिंदेवासिनी बलि चढ़ेगी आज तेरी मौत ना डाले टली काली के भक्त हम है साले तू तो है महाथली बलि 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 बकरे की चढ़ती है शेर की नहीं। धर्म की विजय हो और अधर्म का हो नाशमा, अधर्म का हो नाशमा, अधर्म का हो नाशमा, अधर्म का हो नाशमा। बलि करो स्वीकार माँ, स्वीकार माँ, स्वीकार माँ, जय माँ काले। मत रो बहन, मत रो। चलो बहन आओ, धीरे रखो, रो मत। पानी जी एक बात बोले। बोलिए। हमको ना बहुत जोर से शादी लगा है। देखिए ना मंडप भी तैयार है, लगे हाथ हम भी फेरा मार ही लेते हैं ना। अरे त्रिपाठी जी हम भी तो कब से तैयार हैं। अपने जीजा जी से पूछिए क्या वो इस वर्दी वाले गुंडा को अपना साढ़ू बनाएंगे। कमाल करते हो पाणे जी, अगर जीजा जी नहीं बनाएंगे ना तो हम बिन ब्याह भाग जाएंगे। हाँ। कहते हैं गुंडों से कहते हैं याद रखो हम ही हैं राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे। हर चोरों से नफरत है वर्दी की हसरत है याद रखो मजाक मजाक में बहुत मारते हैं। राम लोटन पांडे,